हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑफिशियल चैनल मोटिवेट योरसेल्फ विद खुशी। आज हम आपको आंगनवाड़ी रिक्वायरमेंट 2024 के बारे में बता रहे हैं। ये हमारी आंगनवाड़ी की बत्तियाँ निकली हुई हैं, ये निकली हुई हैं उत्तर प्रदेश में। हम आपको बताएंगे कि ऑनलाइन फॉर्म स्टेप बाय स्टेप आप कैसे फिल कर सकते हैं इजी तरीके से। तो अभी हम सर्च करेंगे हमारी आंगनवाड़ी की ऑफिशियल साइट पर, और यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें डिस्ट्रिक्ट वाइज किस किस डिस्ट्रिक्ट में हमारी वैकेंसी निकली हैं, कितनी हमारी टोटल पोस्टें हैं, लास्ट डेट सबकी अलग अलग है सब डिस्ट्रिक्ट्स की, और डाउनलोड नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन को हम डाउनलोड करने के बाद हम देखते हैं कि हमारी जो जनपद वाराणसी में निकली हुई है, ये 26 सितंबर से स्टार्ट हो चुकी है। इनको केवल महिलाएं ही फिल कर सकती हैं, और इनकी जो क्वालिफिकेशन होगी वो इंटरमीडिएट होगी। और इसके अलावा इसकी जो आयु रखी गई है 18 से 35 साल तक रखी गई है, और इसकी अंतिम तिथि है 26 अक्टूबर तक। और हम बताते हैं कि अब एप्लीकेशन कैसे स्टार्ट होगी। एप्लीकेशन में पहले आप अपना नाम फिल करेंगे, फिर उसके बाद आप अपने पिताजी का नाम फिल करेंगे, मतलब फादर नेम फिल करेंगे। नेक्स्ट आप अपनी किस डिस्ट्रिक्ट से आपको ये फिल करना है वो फिल करेंगे, फिर आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है, फिर आप पासवर्ड क्रिएट करेंगे, फिर अपना आधार नंबर फिल करेंगे, और अपनी ईमेल आईडी फिल करेंगे, और कैप्चर फिल करेंगे, और फिर रजिस्टर हो जाएगा। रजिस्टर होने के बाद आप अपना यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड और कैप्चर फिल करने के बाद, क्लिक केयर करने के बाद अपना फॉर्म स्टार्ट कर सकते हैं। और जो अपना पहले भी रजिस्टर कर चुका है, अपना पासवर्ड भूल चुका है, वहाँ से जाकर रीसेट करें। इसके बाद सेकेंड स्टेप में आप अपना व्यक्तिगत विवरण देंगे, थर्ड स्टेप पर आप अपनी शैक्षणिक योग्यता देंगे, फोर्थ स्टेप पर आप अपना फोटो सिग्नेचर देंगे, और फिफ्थ पर आप अपना डिक्लेयर करेंगे कम्प्लीट। हम यहाँ पर परियोजना का नाम सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपको सेलेक्ट करना है वो करें। फिर उसके बाद हम अपना निवासी स्थान सेलेक्ट करेंगे, आप गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं। उसके बाद आप अपनी ग्राम पंचायत को सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद आप अपना आंगनवाड़ी केंद्र का नाम फिल करेंगे। फिर उसके बाद आप हिंदी में नाम फिल करेंगे, फिर उसके बाद आप अपना इंग्लिश में नाम फिल करेंगे, अपने फादर नेम फिल करना है आपको अपना, फिर उसके बाद आप अपना मदर नेम फिल कीजिए। उसके बाद आपकी शादी हो चुकी है तो आप अपने पति का नाम भी फिल कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे, जो डेट ऑफ बर्थ हमारी है, डेट, मंथ और ईयर। उसके बाद हम फिल करने के बाद हम देखेंगे कि हमारी एज है वो ऑटोमेटिकली काउंट होकर आ गई है, और ये हम कैलेंडर के माध्यम से हम फिल कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नेक्स्ट स्टेप जो हमारा आएगा उसमें हम फिल करेंगे हमारी कास्ट, जाति। अगर हम जनरल है तो जनरल फिल करेंगे, SC ST फिल करेंगे, ST EWS जो भी है वो हम अपना फिल करेंगे। फिर उसके बाद जो हमारी अन्य श्रेणी आती है उसमें हम अपना फिल करेंगे कि हम PH कैंडिडेट है या फिर हम स्वतंत्रता संग्रामी हैं, ये हम फिल करेंगे। उसके बाद आप अपनी एक्चुअल स्थिति फिल करेंगे कि आप विधवा हैं, तलाकशुदा हैं या अन्य हैं, वो फिल करेंगे। फिर उसके बाद हम अपना प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र के क्रमांक को फिल करेंगे, आवेदन का भी क्रमांक हम फिल करेंगे। फिर उसके बाद हम अपना जाति प्रमाण पत्र का क्रमांक फिल करेंगे, और उसके आवेदन का भी क्रमांक फिल करेंगे। उसके बाद हम अपना आय का भी सर्टिफिकेट को हम फिल करेंगे, है तो फिल करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। फिर उसके बाद जाएंगे हम नेक्स्ट पर। नेक्स्ट पर जाने के बाद हम अपनी शैक्षणिक योग्यता को फिल करेंगे। शैक्षणिक योग्यता हमारी जो 10th में आपने जिस स्कूल से पास आउट किया है, जिस भी बोर्ड से आपने 10th की है, उसके बाद कितने किस ईयर में आपने पास आउट की है, कितने नंबर का हमारा पेपर था, और कितने हमने गेन किए, और उसके बाद कितनी हमारी टोटल परसेंटेज आई। हम अपनी 10th की मार्कशीट को अपलोड करेंगे, और जो सर्टिफिकेट है हम उसको भी अपलोड करेंगे JPG फॉर्मेट में। नेक्स्ट हम चलेंगे अपनी 12th पर। 12th पर भी आप अपना बोर्ड का नेम,
स्कूल का नेम, पासिंग ईयर, कितने मार्क्स आपने गेन किए, कितनी परसेंटेज है, फिर उसकी आप अपनी मार्कशीट को अपलोड करेंगे और सर्टिफिकेट को भी अपलोड करेंगे। अन्य कोई भी क्वालिफिकेशन है, आपने जो भी कुछ किया आप उसको भी फिल करेंगे ऐसे ही। नेक्स्ट हमारा स्टेप जो ओपन होगा वो होगा हमारा फ़ोटो और सिग्नेचर का। आप अपना फ़ोटो सिग्नेचर को अपलोड करेंगे चूज फाइल पर जा कर के। आप अपना JPG फॉर्म में हमारे फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड होते हैं, चूज फाइल पर जा कर के आप अपना फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड करें और नेक्स्ट करें। नेक्स्ट करने के बाद हमारे पास आएगी हमारी घोषणा, मतलब डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन में हमें जो डिटेल हमने फिल की है वो हमारी बिल्कुल सत्य है, अगर फर्जी पाए जाने पर उस पर हमें कार्रवाई होगी। तो आप उस पर आपकी डिटेल करेक्ट है तो आप उस पर टिक करेंगे और नेक्स्ट जाएंगे। नेक्स्ट जाने के बाद हमारा पूरा का पूरा फॉर्मेट ओपन हो जाएगा जो हमने फॉर्म फिल किया है, और आप अपना फाइनल सबमिट दे करके फॉर्म को फिल करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है और यूज़फुल है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और आपको इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट माय वीडियो। और आप अपना एप्लीकेशन लॉगिन कर भी देख सकते हैं कि हमारा फॉर्म